तो फाइनली सीएम पंक नेक्स्ट वीक अपना डेब्यू करने वाले हैं AEW कंपनी में। अंद्रादे ने क्या कहा केनी ओमेगा के बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे क्रिश्चियन केज के बारे में कि क्रिश्चियन केज के चैंपियन बनने के बाद लोगों का क्या रिएक्शन रहा है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, कैसे हो आप लोग। अब देखो, इस वीडियो में बहुत सारी न्यूज एंड अपडेट्स होने वाली है, तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होने वाली है। और लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, और बस चलो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ रिएक्शंस के बारे में। तो क्रिश्चियन के जैसे ही चैंपियन बने, भाई पूरा ट्विटर जो है वो एक्सप्लोड हो गया, मतलब बहुत सारे लोगों ने रिएक्शन दिया और बधाइयाँ दी क्रिश्चियन केज को। तो भाई क्रिश्चियन केज इतने सालों बाद इम्पैक्ट वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, तो भाई मतलब कॉन्ग्रेचुलेसन मेरी तरफ से भी उनको, और देखते हैं कि भाई उनका फ्यूचर मतलब क्या होता है। वैसे नेक्स्ट वीक के लिए वो इम्पैक्ट रेसलिंग में भी आने वाले हैं, तो देखते हैं उनका नेक्स्ट अपोनेंट कौन होता है। अब बात करते हैं अंद्रादे के बारे में। तो अंद्रादे ने भी इस मैच के ऊपर रिएक्ट किया, और जैसे ही ये वाला मैच खत्म होता है, अंद्रादे ने ट्विटर पर सिंपली ये लिखा कि देखो केनी ओमेगा, अभी तुम्हारे पास से सिर्फ दो चैंपियनशिप बेल्ट गया है, और एक दिन और रुक जाओ, तुम्हारे पास से एक और चैंपियनशिप बेल्ट जाने वाला है। अब कल उनका मैच होने वाला है केनी ओमेगा के खिलाफ ट्रिपल ए मेगा चैंपियनशिप के लिए। तो भाई अंद्रादे ने तो बिल्कुल तगड़ा वार्निंग दे दिया है केनी ओमेगा को। अब देखते हैं कि कल इस मैच का रिजल्ट क्या होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एडम कोल के बारे में। तो एडम कोल ने भी ट्विटर पर सिंपली ये लिखा ब्रिट्स वर्ग, जो कि भाई यूज करती हैं ब्रिट वेकर, और एडम कोल तो बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं अपने वाइफ ब्रिट वेकर को। तो ये मत समझ लेना कि भाई ये कोई हिंट है और वो AEW कंपनी में आ जाएंगे। तो भाई बड़ा ही कम चांस है कि एडम कोल AEW में आए, क्योंकि विंस मैकमैन उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। अब नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट एवर वुमेन्स चैंपियन, मतलब फर्स्ट एवर AEW वुमेन्स चैंपियन रिहो के बारे में। तो कुछ दिनों से वो हमको AEW में देखने को नहीं मिल रही थी, तो रीजन सामने आ गया है। उन्होंने जो कोरोना का वैक्सीन लिया था उसका बैड रिएक्शन हुआ था, और मतलब इसी के चलते वो AEW के टेलीविजन शो पर हमको देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन फाइनली वो ठीक हो चुकी हैं, और जल्द ही उनका हमको रिटर्न देखने को मिलेगा AEW के डायनामाइट के शो पर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे नेचर बॉय रिक फ्लेयर के बारे में। तो भाई रिक फ्लेयर जो है वो पूरी तरह से डन हो चुके हैं, और वो AEW में जल्द ही हमको देखने को मिलने वाले हैं। उनका जो 90 डे का क्लो है वो 1 नवम्बर को खत्म होगा, और उसके बाद रिपोर्ट ये आ रहा है कि वो AEW कंपनी को साइन करेंगे और AEW कंपनी में अपना डेब्यू करेंगे। तो भाई बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि वो जल्द ही हमको देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की ओर चलते हैं, जो कि है हमारे CM Punk से जुड़ा हुआ। तो भाई इतने सारे न्यूज, इतने सारे टीजेज मिल रहे हैं कि भाई CM Punk AEW में आएंगे, और फाइनली बिल्कुल कंफर्म हो चुका है CM Punk जो है वो नेक्स्ट वीक हमको जरूर देखने को मिलेंगे। अब टोनी खान ने भी पहले टीज किया, और उसके बाद आज के रैम्पेज शो से पहले कुछ देर पहले CM Punk ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में कुछ मतलब पोस्ट डाला था, जो कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था। तो इतने सारे रूमर्स आ रहे हैं भाई, इतने सारे टीजेज मतलब हो रहे हैं, तो भाई कन्फर्म ही है कि CM Punk हमको नेक्स्ट रैम्पेज शो में देखने को मिलने वाले हैं। और CM Punk भाई बिल्कुल आएंगे और डार्बी एलन को चैलेंज करेंगे, और इनका मैच हमको ऑल आउट पेपर व्यू में कन्फर्म होता हुआ दिख जाएगा। अब भाई 99.9% कन्फर्म हो चुका है कि CM Punk जरूर अगले रैम्पेज शो में देखने को मिलने वाले हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो भाई AEW को बहुत ही ज़्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि AEW ने खुद से टीज किया है कि वो CM Punk को साइन करने वाले हैं, और CM Punk का डेब्यू हमको AEW कंपनी में देखने को मिलने वाला है। तो अगर नेक्स्ट वीक ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता तो फैंस बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, और बिल्कुल ट्रोल करने वाले हैं टोनी खान को। तो आप लोगों का क्या लगता है, आप लोग इंतजार करो। वैसे मेरा तो ओपिनियन बिल्कुल कन्फर्म है कि नेक्स्ट वीक CM Punk हमको AEW के रैम्पेज शो में जरूर देखने को मिलेंगे। अब आप लोगों का इस पर क्या ओपिनियन है आप लोग कमेंट करके बताना, और वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो लाइक मार देना, और ऐसी ही AEW न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो मिलता हूं भाई अगली रेसलिंग वीडियो में। सी यू, बाय बाय।